ऐसे रामायण में आता है, देखना, सीता को लक्ष्मण ने कहा था इससे बाहर जाना नहीं, मर्यादा बताई थी, तो भी साधु आया और कहा नहीं, इससे बाहर आके दान दे दो। भारत में एक संस्कार है, घर के दरवाजे पर कोई भी आया खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए, दान करना चाहिए, ये भारत की संस्कृति है। तो सीता कोई साधारण नारी तो नहीं थी ना, श्री राम की धर्म पत्नी, राजा जनक की बेटी, उनको पता नहीं चल गया रावण है कि साधु है, हमको कैसे पता चलेगा। और फिर भी लक्ष्मण ने कहा था इससे बाहर जाना नहीं, तो रावण ने कहा, साधु ने कहा आप बाहर आएंगे तो लूंगा मैं, नहीं तो नहीं, नहीं तो श्राप दूंगा। डर गई, बाहर आया और रावण उठा के लेके गया। आज इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, इतने लोगों को मारना पड़ा, राम को वनवास जाना पड़ेगा, किसके कारण? एक मर्यादा आपने छोड़ा, बाहर पाव उठाया। आज इतना बड़ा रामायण होने का कारण कौन? तो क्या करना चाहिए अभी आप बताओ। अभी माताजी घर में अकेले रहती है, पति नौकरी में गया, बिजनेस गया, कोई आता है, माताजी पति ने कहा था आपके फैन ठीक करके जाओ, कुछ काम करके आओ घर में, तो वो माताजी को पता नहीं, वो आया, माताजी ने कहा काम कर रहे, तो काम करते करते लूट के चला जाएगा, कुछ करके जाएगा, बॉम्बे में आजकल आजकल ऐसे होता, घर में आएगा किसी न किसी रूप से, तो क्या करें? कोई उपाय है? अभी माता जी कैसे पल गई, कौन है, कैसे जैसे सब्जी वाला आता है, कोई साधु का वेश लेके आया, जैसे रावण, रावण बन के नहीं आया, साधु बन के आया, अभी उसको कैसे परखिया? तो बताओ कोई तरीका, बताओ परख सकते हो? अगर आपके सामने ये भाई बहुत अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन देखो सेंटर में बहन जी अकेली रहती है, कोई भाई आता है, कोई भी माता आती है कोर्स करने के लिए, बहन जी मुझे ज्ञान सुनाओ, आके बैठते बहन जी समझते अच्छा है, ज्ञान सुनाते, ज्ञान सुना के चारों तरफ देखता है, कल लूट के चला जाता है, किसी के लक्ष्य और किसी की दृष्टि से आया। तो बहन जी या आप घर में अकेले होते हो तो कैसे परखे किसी को, ये माता जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी प्यार से बात करती है, ये अच्छी है कि गलत है, कैसे समझे? सब लोग कहते हैं ये भाई बहुत खराब है, गुस्सा है, तो मैं भी ऐसे कहूं नहीं, कैसे परखूं मैं इनको, ये अच्छा है या गलत है, खराब है? जैसे हीरा है, ग्लास का टुकड़ा होता है, हीरा जैसे लगता है, कोई आपको ठगेगा, आप कैसे परखे? सोनार के पास ले जाएंगे, ये सोना है कि पत्थर है देख लो। तो मनुष्य को कैसे परखे, उसकी कोई तरीका बताओ। आपके सामने आज संसार में ट्रेन में जाते हैं, कोई माता जी बहुत अच्छी बात करते हैं, भाई जी आप खाना खा लो, आप एक अच्छा ज्ञान सुना बच्चा है खाया, कोई ना कोई पॉइजन डाल देता है और आपको बेहोश करके आपको लूट के ले जाता है। ये आपकी कहानी, मैं अपना अनुभव बताता हूं। बॉम्बे में आज से 40 साल पहले टैक्सी में जा रहे थे, टैक्सी वालों को कहा यहां से वहां लेके जाना है, ठीक है बाबूजी बैठो, बैठा, कार शुरू करने से पहले कहने लगा, एक अमृत पका वाला आया काटा और मुझे बाबूजी आप भी खा लो, तो मुझे लगा अच्छा ड्राइवर गाड़ी वाला है, दिए जाए खा लो, आधा खाया, देखा बेहोश, उसने देखो चाकू को एक तरफ नशे लगाते हैं कुछ लगाते दवाई और एक तरफ बचे, उसने मेरे सामने उसने भी खाया और बेहोश, कहां ले जाके छोड़ा, सब लूट के चला गया, क्या करे, कैसे परखे, उसकी विधि बताओ, किसी के पास विधि है तो बताओ। आजकल देखो सीता को पता नहीं चला कि राम ये साधु है कि रावण है, तो हमको कैसे पता चलेगा? हम किसी से बिजनेस करे, देखो ये भाई आता है घर में, भाई जी बाबा का बच्चा भी है, भाई जी मेरी युगल बीमार है, बच्चे बीमार है, मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, कल देता हूं मैं। कोई कहता मेरे ऐसे है स्कूल में बच्चों को डालना, बीमार है इनको हॉस्पिटल में, आपको दया आती है, दान करना चाहे, आपने 1,00,000 रुपए दे दिया, कल दिया ही नहीं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, देता है देता है देता ही नहीं, फिर आप कोर्ट में जा रहे हो, गुस्सा करते हो, लड़ाई करते हो, तो ये करना चाहिए, क्या करें, कोई उपाय बताओ। दान नहीं करना चाहे, करना चाहे, कोई इसकी तरीका बताओ, कोई तरीका है तो भगवान ऐसी तरीका ऐसी युक्ति बताता है, वैसे संसार में आज रहते हुए भी एक युक्ति बताता हूं, तो वो करो कभी आप फंसेंगे नहीं, साधारण सिंपल कुछ नहीं करना है। तब बाबा ने देखो मुरली में सब कहता है बच्चे खाना खाते हो दृष्टि दे दो,
किसी को देखते हो दृष्टि दे दो, है ना। योग में भी बैठते हो दृष्टि क्यों देते हैं, योग तो शिव बाबा को करना है ना। एक गीत क्यों बजाता है योग में, तो बाबा को याद करना, गीत सुनना है। तो योग में बैठ के कोई बैठ के दृष्टि दे रहा है क्यों, क्या करना चाहिए बताओ, आपसे दृष्टि लेना चाहिए कि योग करना चाहिए। शिव बाबा को याद करो ना, दृष्टि ने लेना नहीं तो योग करने दृष्टि क्यों दे रहे हैं। हाँ पता होना चाहिए, बाबा के तीन बच्चे हैं, है ना, नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री। एक बच्चे को पता है योग कैसे करना सिखाया, तो योग में बैठता है आराम से, मैं आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करता है। और एक भाई बैठा है आराम से बैठता है, बैठते बैठे सुनते सुनते अरे आज इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना था, आज उसको फोन करना, गलत विचार करता है, क्या करे। बाबा ने उसके लिए गीत बजाया, कम से कम यहां बैठ के गलत विचार नहीं करो, गीत का चिंतन करो। और एक भाई बैठा है वो भी अच्छी तरह से बैठता है, कौन आया कौन गया इधर उधर देखता बैठता है, क्या करे। तो सामने कोई बैठा है मुझे कोई देख रहा है, अलर्ट हो जाता है ना। इसलिए बाबा ने ये व्यवस्था किया है। तो पूछे योग में गीत क्यों बजाया जा रहा है, योग तो बाबा से करना है, ये उसके लिए नंबर दो आत्मा के लिए। फिर दीदी बैठ के कोई बैठ करके दृष्टि दे रहे इधर उधर क्यों देख रहे हैं, कोई मुझे देख रहा, मैं नींद कर रहा हूं इधर उधर देख रहा हूं, हाँ कोई देखता है अलर्ट होके बैठता है, कोई देखने वाले ने आंखें बंद करे नींद भी कर रहे हो इधर उधर देखते हो, इसलिए टीचर आगे बिठाता है दृष्टि देने के लिए किसके लिए, तीसरा नंबर व्यक्ति। पहले नंबर को कुछ नहीं था पता उसको, आत्मा समझ शिव बाबा को याद करता है। तीन प्रकार के बच्चे बाबा ने तीन व्यवस्था बनाई। यहां आप बताओ आपके संसार में, संसार में एक भाई आता है एप्पल अच्छा है ले लो, देखा तो अंदर खराब, तो कैसे परखे हम। तो सहज युक्ति है, आज के बाद याद रखना, कभी किसी से मिलो माता जी आती है, बात करना है बात करो, एक सेकंड माता जी को देखना, मन में एक संकल्प हो, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, ये समझते हुए दृष्टि ले लो एक सेकंड। अगर माता जी आंखें थोड़ा सा इधर उधर करती है, समझना दाल में कुछ काला है, ज्यादा बात नहीं करना दूर से चले जाओ। अगर माता जी को दृष्टि देते हो एक सेकंड ही देखना, स्मृति चाहिए कि मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, ये समझ के दृष्टि देते हो और माता जी दृष्टि हिलाती नहीं है, तब समझना दिल साफ है, आराम से मिलना। परखने की शक्ति चाहिए, संसार में कैसे चले आज कलयुग में, हर जगह पर सब जगह ठगते हैं, है ना। कहानी रामायण में सुनाया, राम सीता को पता न चले रावण है कि साधु, राम को कैसे पता चले। तो शिव बाबा ने आके गृहस्थ में संसार में रहते युक्ति बताया, किसी से मिलो एक सेकंड दृष्टि देना, लेकिन स्मृति चाहिए, सिर्फ दृष्टि काम नहीं करेगी, स्मृति मैं कौन, मैं शिव बाबा का बच्चा, ये समझ के देखते हो। अगर वो दृष्टि हिलाती नहीं है, दृष्टि से दृष्टि मिलती है, जिसके अंदर कुछ गलत है वो दृष्टि से दृष्टि कभी नहीं मिलाता है, ये याद रखना। कभी हम कहते हैं इनके अंदर भूत आत्मा आई है, कैसे कहते हो। तो अगर ऐसी कोई आत्मा की प्रवेशता है वो कभी दृष्टि से दृष्टि मिलाता नहीं है, तुरंत नीचे करेगा इधर उधर देखेगा। जो हिम्मत वाला साफ दिल वाला है स्वच्छ है वो दृष्टि से दृष्टि मिलाता है। इसलिए बाबा ने कभी किसी को मिलते हो दृष्टि दे दो, खाना खाते हो दृष्टि दे के खाना खाओ, लेकिन दृष्टि देने की विधि चाहिए कि मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, ये समझ के अगर दृष्टि देखते हो और दृष्टि हिलाता नहीं तो समझना एक सेकंड एक मिनट देखते नहीं रहना, एक सेकंड दृष्टि हिलाता नहीं है, दृष्टि से दृष्टि मिलाता है तब समझना स्वच्छ दिल वाला है। साहेब राजी आप भी राजी, अच्छी तरह से बात करो मिलो। अगर दृष्टि देखते थोड़ा सा इधर उधर करता आके हिलाता है, दाल में कुछ काला है दिल में कुछ काला है, संभल के मिल सेवा करना, संभल से मिलना उसके साथ, समझ में आया।